नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और इस वीडियो में हम जानेंगे सूखे फूलों से कंपोस्ट बनाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से आप भी सूखे फूलों से कंपोस्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो पूजा करते हैं हम, तो डेली कुछ न कुछ फूल निकलते हैं जिन्हें वेस्ट समझ करके हम फेंक देते हैं। और या त्यौहार होता है या कोई भी फंक्शन होता है तो हमारे यहाँ फूल आते हैं, हार आते हैं फूलों का, तो उन फूलों का यूज हम नहीं जानते हैं, तो उन फूलों को बेकार समझ के हम फेंक देते हैं। तो अभी आपने देखा, एक वीडियो मैंने बनाया था कि फूलों से बायो एंजाइम बनाना, तो वो आप देखे होंगे। तो उस तरह से आप बायो एंजाइम भी बना सकते हैं बेकार फूलों से। लेकिन आज मैं इस वीडियो में सूखे फूलों से आपको कंपोस्ट बनाना बताऊंगी, और कंपोस्ट मेरा बन करके तैयार भी है, उस कंपोस्ट को भी दिखाऊंगी मैं। तो चलिए, फूलों से कंपोस्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मैं ढेर सारा सूखा फूल इकट्ठा कर ली हूँ, जो कि मेरे कुछ तो गार्डन का है और कुछ पूजा जो डेली करती हूँ वहाँ से फूल, डेली का जो ख़राब हो जाता है तो उसे इकट्ठा करके देखिए यहाँ पर स्टोर कर ली हूँ। तो चलिए अब इसका हम कंपोस्ट बनाएंगे। तो देखिए ये सूखे फूल हैं जिन्हें कि मैं बारीक कर दी हूँ इस तरह से। और इस तरह से आप एक मटका ले लें, यदि मटका आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक के छोटे पैकेट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मटका है, मटके में यदि होल है तो उस पर ठिकरी रख दें, नहीं तो यदि होल नहीं है तो आप होल बनाए भी नहीं, क्योंकि इसमें हमें ऊपर से नमी बनाना है क्योंकि ये सूखा है, तो इसमें होल की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये मिट्टी का है तो ये जो नमी होगा वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बार बार हमें नमी बनाना होगा, तो यदि होल नहीं है तो आप होल ना बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं मिट्टी ले ली हूँ जो कि मेरी गार्डन के हैं, और यहाँ ये पानी है। अब चलिए हम फूलों से बनाते हैं कंपोस्ट। तो देखिए इन फूलों में मैं ये मिट्टी जो है गार्डन की वही मिक्स करूंगी, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है मिट्टी को फूलों में, और इस तरह से मिक्स करने के बाद आप यदि प्लास्टिक पैकेट में बना रहे हैं तो उन प्लास्टिक पैकेट में छोटे छोटे होल ज़रूर बना दीजिएगा, और सारा प्रोसेस इसी तरह से होगा। देखिए मिट्टी जो है कि फूलों में मिक्स हो गई अच्छी तरह से, और अब हमें इसे पाट में भरना है, मतलब जिस पाट में आप कंपोस्ट बनाएंगे फूलों द्वारा। तो यहाँ पर देखिए मटका है छोटा सा, तो मैं सारा इसी में भरूँगी और दबा दबा के भरना है इस तरह से। और इसी तरह से आप प्लास्टिक के किसी पार्ट में या प्लास्टिक के छोटे छोटे पैकेट में भी आप फूलों द्वारा कंपोस्ट बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बनेगा और बहुत ही फास्ट बनेगा ये। और इसमें कई तरह के फूल हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत ही न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स होंगे हमारे पौधों के लिए जब ये कंपोस्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पूरा मैं मटका भर दी, और अब भरने के बाद इसमें अच्छी तरह से नमी बनाना है, तो इस तरह से ऐसा पानी दें कि पूरा नीचे तक नमी बन जाए। और इस तरह से नमी बनाने के बाद इसे आप करेंगे कवर, और यदि प्लास्टिक का पैकेट है तो उसे बांध दीजिएगा, और इस तरह से ढक करके इसे रखना है एकदम छायेदार स्थान में, कहीं पर भी रख सकते हैं, इसमें बदबू वगैरह कुछ नहीं होता, ना ही कीड़े पड़ते हैं। तो इसे रखेंगे, लेकिन इसे हर हफ्ते आपको क्या करना है कि एक स्टिक लेना है और स्टिक की सहायता से इसे मिक्सअप करते रहना है, मतलब ये जैसे जैसे डिकम्पोज होगा तो ये बैठता जाएगा, और इसमें नमी एकदम बराबर बना के रखना है,
और हर हफ्ते इसे मिक्स करना है। इस तरह से आप करेंगे तो ये फूलों द्वारा कंपोस्ट आपका लगभग एक महीने में एकदम से डिकम्पोज होकर के बेहतर कंपोस्ट बन जाएगा आपके पौधे के लिए फ्री में। तो ये तो मैं रख दी बनने के लिए सूखे फूलों द्वारा कंपोस्ट। और यहाँ पर देखिए इस मटके में मैं पहले से ही बना करके रख ली हूँ, तो चलिए इसे भी देखते हैं कि कैसा बन करके तैयार है। तो देखिए ये एक महीने पहले मैं रखी थी, कुछ फूलों का तो मैं बायोएंजाइम बना दी थी, लेकिन कुछ फूल थे जो डेली निकलते हैं हमारे गार्डन से या पूजा घर से, तो मैं उसे इसी तरह से मटके में डालती जाती हूँ और ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी छिड़कती जाती हूँ और फिर इसमें नमी बना करके ढक करके छायादार स्थान पर रख दी हूँ। तो देखिए ये फूलों द्वारा कंपोस्ट बहुत ही अच्छा और एक महीने में एकदम से डिकम्पोज होकर के बन गया है हमारे पौधों के लिए। तो इस तरह से आप भी सूखे फूलों का यूज करिए और अपने पौधों के लिए खाना बनाइए, कंपोस्ट बनाइए फ्री में अपने हाथों से और अपने पौधों को खिलाइए, जिससे कि आपकी बगिया के पौधे जो हैं कि हरे भरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और यदि आप फ्री का कंपोस्ट बना लेंगे तो आपकी गार्डनिंग जो होगी आसान हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो मैं तो अपने पौधों के लिए इसी तरह से फर्टिलाइज़र, बायो एंजाइम और कंपोस्ट हर चीज़ से बनाती रहती हूँ, जिससे कि मुझे मार्केट ना जाना पड़े और जब भी मैं अपने पौधों को कंपोस्ट देना हो तो मुझे घर पर ही मिले। और ये देखिए फूलों द्वारा कंपोस्ट बन गया है, तो इसे आप किसी भी डिब्बे में या किसी प्लास्टिक में बांध करके रख दीजिए, बंद कर करके इसे खुला ना रखिएगा, सूखने न दीजिएगा। देखिए इसमें हल्का सा नमी रहना चाहिए कंपोस्ट में, नहीं तो सूख जाएगा। यदि तो इसके जितने भी बैक्टीरिया होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएगा ये कंपोस्ट। तो इसे नमी बना करके स्टोर करके रख लें अपने पौधों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और फूलों द्वारा आप भी कंपोस्ट बना करके देखिएगा, बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। और वीडियो यूजफुल हो तो यही निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़िए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।